यहाँ क्यों? वो क्या है ना, मुझे हमेशा से किसी बाग में जाना था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। आज मौका भी है और दस्तूर भी, और यहाँ दूर दूर तक हमें पहचानने वाला कोई है नहीं। और अगर किसी ने पहचान भी लिया ना, तो मैं बोल दूंगी कि ये आदमी मुझे यहाँ लेके आया, और मैं रिजेक्शन के डर से मना ही नहीं कर पाई। ओह, वेरी नाइस। क्यों, गलत कहा क्या मैंने? तुम्हारा ही तो प्लान था, पियो फिर। ठीक है, पीना ही पड़ेगा। वेटर, एक विस्की लाना। और तुम? जो तुम पिला। विस्की लाना। थैंक यू। तुम विस्की पीती हो? तुम जो पिलाओ पी लूंगी भाई। लो आ गई। थैंक यू। ठीक है, पियो फिर। अरे और डालो, और डालो। और? अरे डालो। अरे कुछ मेरे लिए तो छोड़ दो। अरे डालो ना तुम। अरे मैं तो वैसे थम्सअप में पीता हूँ, वैसे तुम कैसे पीती हो? मैं तो तुम्हारा तो पैकअप हो गया। तुम कहाँ पीते हो? हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम तो 30-30 करके पीते। 30 क्या होता है? वाओ, मतलब तुम्हें 30 नहीं पता? यार यहाँ से निकल के बाद ना तुम्हारे ये पैर कहाँ है ना, वो पढ़ने के लिए याद दिला देना। तुम्हें 30 नहीं पता हो, तुम इस तरह से पीती हो? पैर तो मुझे तुम्हारे भी पढ़ने चाहिए। उस चुड़ैल का मुंह देखा तुमने? कैसा हो गया था जब उसे पता चला कि तुम और मैं साथ में हैं? बड़ा मजा। वैसे मैं पूछ सकता हूँ, वो लैला मजनू थे कौन? वो लोग, वो मेरा एक्स था और वो मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। हंसी आ रही है? I'm sorry. नहीं नहीं, it's okay. You don't have to be sorry. वो लोग नहीं थे। और क्या कहा था उसने? क्या क्या? मुझे कोई नहीं मिलेगा, और कोई नहीं मिला तो मैं जो मिलेगा उसी से कर लूँ। मतलब इसका मतलब तो ऐसे ही हुआ ना कि तुम मिल रहे हो तो तुम्हीं से कर लूँ। मुझे क्यों लग रहा है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है? हाँ, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्यों, क्या खराबी है मुझमें? कोई खराबी नहीं है तो? अरे तुम्हें कोई खराबी नहीं है, पर तुम मुझसे बहुत अलग हो। मतलब प्यार होता तो भी बात अलग थी यार, मगर अरेंज मैरिज में तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। क्यों? सोचकर ही हंसी आ रही है, मतलब तुम और मैं। सीरियसली? उसे मेरी चॉइस पे डाउट है, मतलब उसने तो मेरी ही चॉइस अपनाई है ना, मतलब उसे लगता है मुझे कोई नहीं मिलेगा। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे उस पे, मन कर रहा है उसका मुंह तोड़ू। आई विल किल हर। मेरा प्रमोशन हुआ था, यू नो, मैं इतनी खुश थी। मैंने सोचा सूरज को बताती हूँ, सूरज मतलब मेरा एक्स। मैंने उसको कॉल किया, उसका फोन लगा नहीं। मैं उसके घर चल गई, यू नो आई हैड द कीज। व्हाई डिड आई हैव द कीज? मैं उसके घर पे गई एंड वो उसके बेडरूम में था उसके साथ। तुम्हें पता है मैंने वहाँ जाके क्या किया? बोलो क्या किया होगा मैंने? नहीं पता। मैं भाग गई, मैं डर गई और मैं वहां से भाग गई। मैंने क्या गलत किया था? पर मैं भाग गई। प्यार करना गलत नहीं होता, मगर किसी से अपना प्यार पाने के लिए किसी के प्यार को छीनना गलत होता है। सही कहा। मुझे ऐसा लगता है उसकी पहले से ही उस पे नजर थी, वो कभी मेरा था ही नहीं। और पता है अभी क्या हो रहा है? अभी ना उसी की शादी उससे हो रही है, और मैं यहाँ एक बार में बैठ के एक अनजान आदमी के साथ विस्की पी रही हूँ।
नेहा क्या है? तुम्हें फिर किसी से प्यार नहीं हुआ? प्यार? मुझे प्यार से नफरत है। अब अगर मैं करूंगी ना तो अरेंज मैरिज ही। ठीक ठीक है। ओ गॉड, ये मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे चढ़ रही है। ओह, थोड़ी और देर तुमसे बात की ना तो मैं तुम्हें मेरा पिन, मेरा बर्थडे ये भी बता दूंगी। हाँ, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारा एटीएम का पिन बर्थडे। हाँ हाँ, तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि मेरा बर्थडे मेरा पिन है। और तुम्हें ये तो भी पता है क्या कि 7 दिसंबर मेरा पिन है? मतलब तुम्हारा पिन तुम्हारा बर्थडे जो कि 7 दिसंबर है। एक मिनट। हाँ, मुझे ना डाउट आ रहा है कि तुम पी नहीं रहे हो, मुझे पिला के खुद थम्स अप लिए जा रहे हो। अरे विस्की है। Are you sure? हाँ, I am, देखो सुन के देखो। अरे हाँ यार, विस्की थी। अरे वाह, बिना चश्मे के तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। This hairstyle also suits, you know. This is not my hairstyle. ये तो बस इसीलिए बता रही हूँ। मुझे लगता है मुझे चढ़ गई है। I think सच में तुम्हें चढ़ गई है। I think so too. क्योंकि वरना मैं तुम्हें नहीं बताती कि तुम अच्छे दिख रहे हो करके। मुझे लगता है हमें बस करना चाहिए। And I think, हाँ भाई, हमें तुम्हारे बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए। कब से बस मेरी एग्जाम लिए जा रहे हो? ठीक है, पूछो क्या पूछते हैं। Since topic X का चल रहा है, तुम्हारी X के बारे में बता दो। X के बारे में? थी ना? तो क्यों हुआ ब्रेकअप? उसे अपने करियर से ज्यादा प्यार था और मुझे उससे। एक्चुअली दोनों का मिसमैच होता था और एक दिन सुबह मुझे छोड़ के चली गई। तुम्हें उसकी याद नहीं आती? आती है, सिर्फ रात को। बेहुदा आदमी। सॉरी। आई थिंक मुझे चढ़ रही है। एक काम करते हैं, चलते हैं। ओके। बिल? बिल वेटर। अरे रहन दो, हाफ हाफ करते हैं। अरे नहीं यार, मैंने तुम्हें यहाँ इंसिस्ट करके लाया तो इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे नहीं यार, हाफ हाफ करते हैं ना। ठीक है। लेकिन तुम्हारा आइडिया था, तुम ही ने इंसिस्ट किया था, मैंने नहीं भी बोला था। तो अब भरने के लिए भी तुम ही इंसिस्ट कर रहे हो तो तुम ही भर दो। कितना सुनती हो तुम मेरा। प्रमोशन का पार्टी समझ के दे सकती थी। मेहनत की कमाई शराब में थोड़ी ना। क्या यार, पाप लगेगा। चले। हाँ हाँ। घर से फोन आके गया। कितना बजा? 10:30। 10:30? मेरे परिवार पुणे में रहते हैं। क्या बात कर रहे हो, तुझे प्रॉब्लम चाहिए ना, तो तुम्हारे घर आती है ना। राइट मैन ने क्या तुमने मुझे होटल भेज दिया।